देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक जरूरी सूचना रखना चाहता हूं। जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में या फिर डीमेट अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं, वो 31 दिसंबर के पहले उसको कंप्लीट कर ले। या तो आप नॉमिनी ऐड करें या फिर नॉमिनेशन के प्रक्रिया को कंप्लीट करें। इट मींस कि अगर आप नॉमिनी नहीं भी रखना चाहते हैं तो वहां वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो दोनों में से आपको एक काम करना है, या तो आपको नॉमिनी ऐड करना है, अगर आप नहीं चाहते कि नॉमिनी कोई ऐड नहीं करना है तो आप वहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। नॉमिनेशन के प्रक्रिया को आपको यहाँ पे 31 दिसंबर के पहले कंप्लीट करना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपके ट्रांजेक्शन्स पे रोक लगा दिया जाए, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया जाए। तो समय रहते हुए आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सेबी ने कई बार इस डेट को एक्सटेंड किया, इट मीन्स कि बढ़ाया है। चलिए अब आज के विश्लेषण पे हम बात करते हैं। मार्केट लगातार 2 दिन से आपको बहुत बड़ा यहाँ पे छलांग लगाता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं देखूं तो निफ्टी सेंसेक्स ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 17% के ऊपर रिटर्न दे दिया है। अब देखो, लार्ज कैप में भी आपको 2023 में उतना रिटर्न मिल गया है जितना मिलना चाहिए। अब इससे अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर रिटर्न दे रहा है तो वो सोचो आपके लिए बोनस है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 40% के ऊपर का रिटर्न हमें 2023 में देखने को मिल चुका है। अब कोई भी ऐसा फंड नहीं होगा, अगर मैं इंडियन स्टॉक्स बेस्ड फंड की बात करूं तो कोई भी ऐसा फंड नहीं होगा जिसमें इन्वेस्टर को नुकसान देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा यहाँ पे कोर्स का डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो, बहुत ऐसे फंड हैं जिसमें 2023 में आपको 40% के ऊपर का रिटर्न भी देखने को मिला है। कई ऐसे फंड हैं जिसमें रिटर्न कम है, लेकिन अगर मैं देखूं तो कोई भी इन्वेस्टर अब नहीं देखने को मिल रहा होगा जो ये बोल दे कि अब मुझे अपने म्यूचुअल फंड में नुकसान देखने को मिल रहा है। आप चाहे लार्ज कैप की बात कर लो, मिड कैप की बात कर लो, स्मॉल कैप की बात कर लो, कोई भी ऐसा कैटेगरी में कोई बुरा से बुरा भी फंड होगा तो भी कोई भी ऐसा इन्वेस्टर ये नहीं बोल सकता कि उसके म्यूचुअल फंड में नुकसान देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर है, अगर मैं 2022 में देखूं, 2023 मार्च के पहले का रिकॉर्ड देखूं तो इन्वेस्टर को नुकसान देखने को मिल रहा था। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में नुकसान देखने को मिल रहा था। कई ऐसे सेक्टर फंड है वहां भी नुकसान देखने को मिल रहा था, जैसे कि मैं आईटी सेक्टर की बात करूं। लेकिन 2023 में अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो इंडियन स्टॉक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के नुकसान में बैठा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इतने गारंटी के साथ और इतने स्ट्रॉन्ग सेंटेंस के साथ आपके सामने क्यों आया हूँ? मेरे पास आंकड़े हैं, मैंने बहुत सारे इंडेक्स पे नज़र डाला है। देखो, अगर मैं आपके सामने डाटा रखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, 2023 में यहाँ पे 17 से 18% का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। वैसे ही अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ, 2023 में 24 से 25% का रिटर्न देखने को मिला है। इट मीन्स कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर बेस्ड फंड में भी पैसा लगाए होंगे उनको भी यहां पे नुकसान नहीं देखने को मिल रहा होगा। मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करूं तो यहां भी 12 से 13% का रिटर्न 2023 में देखने को मिला है। आगे अगर मैं बीएससी स्मॉल कैप की बात करूं, 2023 में 44% के ऊपर का रिटर्न है। बीएससी मिड कैप की बात करूं, 42% के ऊपर का रिटर्न है। तो ऐसे स्थिति में इंडियन स्टॉक्स मार्केट बेस्ड कोई भी म्यूचुअल फंड होगा वो आपको नुकसान नहीं दे रहा होगा, चाहे आप 2 महीने पहले इन्वेस्ट किए हो या फिर 2 साल पहले इन्वेस्ट किए हो या फिर क्यों ना 5 से 10 साल आप समय दे दिए हो। अब आप में से कोई भी इन्वेस्टर नहीं बोल सकता कि नुकसान में हूं मैं। लेकिन जिसका किस्मत खराब है, जिस इन्वेस्टर को नुकसान देखने को भी मिल रहा होगा, कुछ एक फंड है जिसमें इन्वेस्टर को अभी भी नुकसान है। आप सुन के शॉक्ड होगे कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, कुछ इंटरनेशनल फंड है जिसमें इन्वेस्टर को नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर इन्वेस्टर का किस्मत ही खराब है, जी हाँ, पूरा पैसा आप उसी फंड में लमसम कर दिए हो, तब तो नुकसान को देखने को मिल ही रहा होगा, चाहे इंडियन स्टॉक्स मार्केट कितना भी छलांग लगा ले। चलिए अब इंटरनेशनल फंड्स
की बात करते हैं। देखो, अगर मैं नैस्टेक 100 इंडेक्स की बात करूं, अगर कोई भी इन्वेस्टर नैस्टेक 100 इंडेक्स बेस्ड फंड पे पैसा लगाया, वो भी इन्वेस्टर प्रॉफिट में होगा। S&P 500 की बात करूं, इंडेक्स बेस्ड फंड में आपने पैसा लगाया, वो भी इन्वेस्टर प्रॉफिट में हो गए, क्योंकि नैस्टेक 100 2023 में ऑलमोस्ट 52% के ऊपर का रिटर्न दिया है। S&P 500 की बात करूं तो यहां पे ऑलमोस्ट 23-24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, US मार्केट का आंकड़ा रखूं, यहां पे कैनेडियन मार्केट रखूं, यहां पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करूं, यहां पे मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूं, सब 2023 में कुछ ना कुछ पैसा बना के दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क कुछ एक फंड पे है जहां पे नुकसान इन्वेस्टर को देखने को मिला है, और जिस भी इन्वेस्टर का किस्मत खराब होगा वही इन्वेस्टर यहाँ पे पूरा पैसा ऐसे फंड्स में लगाए होंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, एडिलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑप्शन फंड की बात करूँ, 2023 का रिकॉर्ड देखूँ तो 13-14% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंडो फंड की बात करो, 2023 में यहाँ भी 12% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस फंड का 5 साल का रिकॉर्ड देखूँ तो यहाँ जो नुकसान देखने को मिल रहा है 34% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। निपोन इंडिया ETF हैंगसेंग 20 की बात करूं तो ये भी 2023 में ऑलमोस्ट 13-14% का नुकसान दिया है। चाइना बेस्ड स्टॉक्स पे यहाँ पे पैसा लगाए होंगे, वैसे म्यूचुअल फंड्स पे पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे चाइना के स्टॉक्स को कवर किया जा रहा है, या फिर एशियन कंट्री स्टॉक्स बेस्ड कोई म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे हो सकता है कि 2023 में इन्वेस्टर को नुकसान देखने को मिल रहा हो। नहीं तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर यहाँ पे उंगली उठा के ये नहीं बोल सकता कि 2023 में म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना है और म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं कुछ एक फंड को हटा दूं जो कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, उसको मैं वहां पर साइड कर दूं तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसमें नुकसान में हो, वहां पे पॉजिटिव आपको देखने को जरूर मिला होगा। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे फंड को 40-50% का हिस्सेदारी अपने पोर्टफोलियो में दी है और अभी भी वो नुकसान में है, गलती कर बैठे हैं। अब समय आ गया है यहां से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, कम से कम 3-4 फंड का सहारा लो और नेशनल इक्विटीज को ज्यादा से ज्यादा 10-15% का हिस्सेदारी दो अपने पोर्टफोलियो में, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। मैं इन्वेस्टर को बताना चाहता हूं आज के वीडियो के माध्यम से, देखो आने वाले समय में इंडियन स्टॉक्स मार्केट में आपको और ज्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो कभी भी ये गलती अभी नहीं करना कि अपना पूरा पैसा या फिर यहां पे 40-50% का हिस्सेदारी इंटरनेशनल इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड पे आप लगा देना। इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा 10-15% का हिस्सेदारी आप इंटरनेशनल इक्विटीज पे रखो, बाकी आपको हिस्सेदारी इंडियन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड पे ही रखना है, जिससे आपको पैसा ज्यादा बनता हुआ देखने को मिले। देखो अगर पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो इंडियन स्टॉक्स मार्केट के सामने कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, जी हाँ मैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, जो टिकता हुआ नजर आए। बिकॉज अगर आप देखोगे पिछले 1-2 साल से इंडियन स्टॉक्स मार्केट ने पैसा काफी ज्यादा बना के दिया है। ये था आज का वीडियो, इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अभी स्टार्ट करें। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।